देश के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल बड़वानी को 11 करोड़ का अवार्ड मिला है, जहां कलेक्टर ने आगे भी बेहतर प्रयास करने की बात कही। बड़वानी नीति आयोग के राज्य प्रभारी अधिकारी एवं राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बड़वानी जिले में नीति आयोग द्वारा निर्धारित विषयों में हुए रचनात्मक कार्यों एवं जिले को नीति आयोग से प्रोत्साहन स्वरूप मिले 11 करोड़ के अवार्ड की प्रशंसा की। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि नीति आयोग ने जिले में हुए रचनात्मक कार्यों के लिए जिले को 11 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया है। इसमें शिक्षा और कृषि के लिए 3-3 करोड़ रुपए और ओवरऑल में 5 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया गया है। बड़वानी जिला देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल है और बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले एक साल से जिले में हमारी टीम द्वारा कुछ नवाचार किए, कुछ प्रयास किए। उन प्रयासों की वजह से पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में जो हमारा रैंक आया था, जो 112 जिलों में डेल्टा रैंक, उसमें हेल्थ सेक्टर में हमको 5 करोड़ का अवार्ड मिला था। और इस वर्ष भी अगस्त सितंबर में जो अभी कुछ दिनों पहले ही अवार्ड डिक्लेयर हुआ है, उसमें कृषि विभाग में हमारे जिले को फिर से 3 करोड़ का अवार्ड मिला हुआ है। और इसके पूर्व 2019 में भी एजुकेशन का जो सेक्टर है, उसमें भी जिले को 3 करोड़ का अवार्ड मिला हुआ है। इस तरह से एक बड़वानी जिले को टोटल अभी तक 11 करोड़ के अवार्ड मिले हुए हैं और ये इस जिले के लिए काफ़ी, मैं जानता हूँ, गौरव की बात है। और जो पैसा मिलेगा यहाँ की जो हेल्थ की, एजुकेशन की और कृषि विभाग में जो हमारी मूलभूत सुविधा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी चीज़ें जो और की जाना है, उसके लिए भी हम लोगों को बड़ी आसानी होगी। मुझे हम लोगों ने और हमारी टीम ने अभी जो हमारे आकांक्षी जिले के 5 जो सेक्टर हैं, उसके 49 की पॉइंट इंडिकेटर्स हैं, उसमें कुछ सुझाव भी हमको नीति आयोग से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी इन जो इंडिकेटर्स हैं, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है और हमारी टीम ने उसमें काम करना प्रारंभ कर दिया है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बड़वानी जिले को किस तरह से आकांक्षी जिले से बाहर किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से हमारी टीम काम कर रही है, उसको शीघ्र ही हम लोग बड़वानी को आकांक्षी जिले से बाहर कर देंगे। वहीं अब इस अवार्ड की राशि से जिले में चल रहे नवाचारों को जहां और गति मिलेगी, तो वहीं और नवाचारों का प्रस्ताव बनाकर नीति आयोग के पास भेजा गया, जिससे जिले की स्थानीय समस्याओं से आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में और बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।